बीजेपी नेता ने मोर्चा खोला। कानपुर से खबर, अध्यक्ष संजय पासी ने डीसीपी और पुलिस पर सवाल खड़े किए। आईपीएस रवीना त्यागी पर एकतरफा कार्रवाई और दंगा भड़काने का आरोप, दो दिन पूर्व। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मांतर मामले में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया था और बजरंगियों को भीड़ ने दी थी अवसर। बर्रा थाने में खुलेआम जारी है भ्रष्टाचार का खेल। भाजपा नेता ने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाए। कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मांतर पिटाई मामले में बीजेपी नेता ने मोर्चा खोला। धर्मांतर और पिटाई मामले में बीजेपी नेता ने मोर्चा खोला। जय श्री राम। अभी रामगोपाल में दो दिन पहले की जो घटना घटी है उसमें कानपुर की आईएएस रवीना त्यागी इस तूल को देकर एक पक्षी कार्रवाई करके हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा कराकर उन्हें गिरफ्तार कराकर कानपुर में दंगा भड़काने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व को दबाने का काम कर रही हैं, जबकि एक दलित परिवार की बेटी के साथ 10 दिन पहले बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। धर्मांतरण के खिलाफ दलित बेटियों के 12 साल 14 साल की बेटियों के साथ दुराचार जैसा व्यवहार किया गया उसमें सिर्फ 354 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं रवीना त्यागी जी से पूछना चाहता हूं, मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अगर उस घटना को संज्ञान में कर लिया गया होता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन को इस मुद्दे में राम गोपाल चौराहा पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़ती। और कानपुर से खबर